स्वागत है दोस्तों आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 हो रहे हैं और मेरा सुबह का सारा काम हो चुका है और अभी मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी थोड़ी देर में। तो मैं थोड़ी देर जो है धूप में बैठी थी, यहाँ पे अपनी कमर की तरफ से जो है धूप सेक रही थी। जैसे कमर वगैरह में दर्द रहता है तो जैसे कमर की तरफ से पीठ की तरफ से जो है थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ। अभी तो धूप तेज़ हो गई है लेकिन तब भी 10-15 मिनट जो है बैठ सकते हैं। अभी भी धूप में जो है बैक साइड से धूप लेंगे तो जो है जो हमारी जो हड्डियाँ हैं उनको काफ़ी रिलैक्स मिलता है और हमें विटामिन डी भी मिलता है जो है। तो इसलिए मैं यहाँ पर भी बैठी हूँ, फिर थोड़ी देर में जो है दोपहर का खाना मैं बनाऊँगी। लेडीज़ें काम कर रही हैं, ये यहाँ पे जो है सेवा करते रहते हैं। ये बहुत अच्छे लोग हैं, साफ़ सफाई भी रखते हैं ये लोग। ये हफ्ते में 2 दिन जो है साफ़ सफाई भी करते हैं और ये लोग यहाँ पे जो है अच्छे से इन्होंने सत्संग को जो है मेंटेन कर रखा है। और वहाँ पे जो है आज साईं बाबा का कीर्तन हो रहा है मंदिर में, हर थर्सडे होता है यहाँ पे साईं बाबा का कीर्तन। और थोड़ी देर बाद जो है भंडारा मिलता है। हम लोग तो जाते नहीं है भंडारा लेने के लिए क्योंकि हम पूड़ी वगैरह ज़्यादा खाते नहीं हैं, ऑयली चीज़ें, इसलिए हम लोग नहीं जाते। ये हफ्ते में 2 दिन जो है पूरा साफ सुथरा करते हैं, पूरा चारों तरफ से यहाँ से लेके ये जो जितनी ये रोड जा रही है फिर उसके जो बैक में जो रोड जा रही है ना वहाँ पे पूरा साफ करते हैं। और यहाँ पे सामने से ये पतली गली है इसमें भी साफ़ सफाई करते हैं ये लोग। और ये लोग साफ़ सफाई ना करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी रहे। लोग कई लोग ऐसे होते हैं जो कूड़ा डाल के चले जाते हैं जो है, और ये लोग साफ़ सफाई करते हैं। आज जो है मैं आलू की तिचोड़ी बनाने जा रही हूँ और ये आलू जो है गांव से आ रखे हैं, सीधा उत्तराखंड से। और ये मेरे को जो है कल मेरी जेठानी ने दिए थे और आज मैं इनकी तिचोड़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इनको जो है धो लिया है, पानी में साफ करके मैंने धो लिया है। अब इनको जो है इस तरह से थीस देंगे, इनको ऐसे करके थीस देंगे इन आलुओं को। इनकी थिचोड़ी जो इनकी जो सब्जी होती है बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसके साथ में भात बनाऊंगी। अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, अभी जो है 1:15 हो रखे हैं। ये आलू दिखने में तो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन जब इनकी सब्जी बनती है तो बहुत स्वादिष्ट होती है। जो उत्तराखंड के जो लोग होंगे उन्हें पता होगा कि इसकी सब्जी कितनी अच्छी बनती है, तो आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखें। ये मैंने सारे आलू थीस दिए हैं और इन आलूओं को जो है छिलका उतारने की जरूरत नहीं होती, ये ऐसे ही अच्छे होते हैं खाने में। और अभी हमारे यहाँ लाइट जा रखी थी, अभी आई है लाइट, 1-2 घंटे से लाइट काट रखी थी, पता नहीं कहीं फॉल्ट वगैरह होगा इसीलिए काट रखी होगी। और इसमें जो है ये लहसुन और क्या कहते हैं हरी मिर्च है, अब मैं इसको जो है फेंक दूंगी। अब ये तेल गरम हो गया है और मैं इसमें जो है ये लहसुन डालती हूँ। ये इसमें मैंने लहसुन डाल दिया, लहसुन डालने के बाद में मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। मैंने इसमें हींग डाल दी, मैंने इसमें जो वो बोतल है ना उससे मैं यहाँ पे कपड़े में पानी लिया। ढंग से पीना, पूरा आके पी लेना, तेरे लिए तो है वो, तेरे लिए तो है वो बोतल। ये जो है तड़कने लग गया है तो अब इसमें जो है मैं इसमें जो है बड़ी भी मैंने डाल दी है साथ में आलू की तिचोड़ी के साथ में। और पहले मैं इसमें बड़ी डाल रही हूँ, मैंने इसमें बड़ी डाल रही है, बड़ी डाल रखी है, मैं बड़ी को भून रही हूँ। पहले मैं बड़ी को भून रही हूँ, बड़ी भून चुकी है, मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। मैंने इसमें प्याज डाल दी है,
अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। अब जो है टमाटर गल चुके हैं, अब मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ। लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और ये नमक। ये मैंने लहसुन और ये अदरक का जो पेस्ट है वो उसमें डाल रही हूँ। मसाला मिक्स कर देती हूँ मैं इसमें, ये जो है भीचे में आलू डाल दूँ इसमें। अभी शुरू में जो है इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर बॉईल कर लेना है ताकि जो है आलू और जो बड़ी वगैरह है उसमें सारे मसाले लग जाए और बाद में इसकी तरी बढ़ाएंगे थोड़ी देर में। इसमें जब जो है 80% जो है कम पानी में ही आलू को गलाना है। अब इसको ढक के रख देते हैं, बाकी पानी जो है बाद में डालेंगे इसमें। और इधर मैंने भात रखा है बनने के लिए और अभी ये आलू गलेंगे इसके, तब मैं चेक करूंगी थोड़ी देर में। ये मारुति जो है उल्टे काम कर रहा है, देखो यहाँ पे इसकी आंख में लग गई है, मारुति की आंख में लग गई है। क्या हो गया है? अच्छा, मैं पास कहाँ आई, मैं तो किचन में थी, खाना बना रही हूँ। कुछ भी नहीं मिला, मतलब कुछ भी नहीं, आलू की तिचौड़ी और भात ऊपर गया, वहाँ पे भी भूख से लगी थी, बट एक बीच में लिए मुझको, तो मैंने इसको मार दिया और इसके आत्मा को तो गिरी गई थी। बोले अच्छा, और उसने मेरी मदद के लिए एक हाथी, चेक करके देखती हूँ मैं सब्जी। अब ये जो है आलू में मसाले अच्छे से लग गए हैं, तो अब मैं इसमें जो है पानी डालती हूँ। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, आलू भी थोड़े गल चुके हैं 80-90%। और ये जो है आटे का आलन है ये भी इसमें डालते हैं हम लोग, ये भी डालते हैं इसमें। और पानी डाल रही हूँ मैं, ये जब उबल जाएगा थोड़क जाएगा उसके बाद में चेक करूँगी डालो। अब मैं चेक करती हूँ आलू की तिचौड़ी बन के तैयार के नहीं, और इसमें जो है दूध डाल दो। हम लोग जो है दूध डाल देते हैं, कोई जो वैसी सब्जी होती है, मतलब आलू की तिचौड़ी या मूली की तिचौड़ी या हरे प्याज की सब्जी वगैरह में हम गढ़वाली लोग जो है दूध डाल देते हैं, तो उससे बहुत टेस्टी होती है। ये बनी चुकी है लगभग, और इन्हें ज्यादा लग रही है तो इन्होंने पहले ही निकाल लिए खाने के लिए। ये जा रहे हैं अपना खाना लेके अंदर। ये बन चुकी है वैसे तो, गैस बंद करती हैं। अब मैं भी अपना खाना लेके आ गई हूँ और मैं कढ़ाई में खा रही हूँ। कढ़ाई में खाने का जो है मज़ा ही अलग होता है, और ये प्याज है साथ में और तिचौड़ी बहुत बढ़िया बनी है, एकदम टेस्टी। और मैंने बच्चों को खाना दे दिया, वो बाहर खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, और मैं यहाँ पर खा रही हूँ। इस तरह से कढ़ाई में खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। अब हमने दोपहर का खाना खा लिया है, आलू की तिचौड़ी और भात। तो आज के लिए बाय,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तो बाय।